विरोध को लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। आपको ये भी बताएं कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आती है। सरकार और मनोज मुंतशिर पर सवाल उठाए कांग्रेस ने, सेंसर बोर्ड ने फिल्म कैसे पास कर दी, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया है। सरकार को देना चाहिए इस पर जवाब, देवी देवताओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सवाल पूछा गया। आदिपुरुष जो फिल्म की बात हो रही है वो बनाई नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी देवी देवता का, हमारे सनातन धर्म के भगवान का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने भी अभी स्वयं फिल्म नहीं देखी है, तो निश्चित रूप से फिल्म देखने के बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा, लेकिन जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है तो किसी भी देवी देवता का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की फिल्म सेंसर बोर्ड से पास कैसे हो गई, और जहां तक जो इसके संवाद लिखे मनोज मुंतशिर, जो अपने आप को बड़ा ही सनातनी कहते हैं, उन्होंने इस तरह के घटिया संवाद कैसे लिखे? आप देखें उसमें माता सीता, आपने सबने पढ़ा है, हमने देखा है कि कभी प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया, उसने सीधा नाम लिया राघव तुम, मतलब उसमें आप देखें प्रभु श्री राम कह रहे हैं भारत की बेटी, उसमें भारत नाम कहां था, उसमें ऋषि का नाम कहां था, अगर हम जाएं लाखों साल पहले। तो ये सब कहीं ना कहीं ने फैंटेसी बनाई है, और उस पूरी फिल्म में आप देखें सनातन संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को बदनाम किया गया है। नरेंद्र उसके डायलॉग भी आप देखें जिस तरह के हैं, बहुत ही इस तरह से लगता है कि कोई गली गूचे में कोई एक दूसरे कोई लोग बात करते हैं उस तरह की।